मुसलमान दोस्तों, आज जिस शख्सियत के साथ हम मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं। मैंने जब उनको स्टडी कर रहा था और कुछ अर्से पहले से स्टडी कर रहा था, तो मैं देखता जा रहा था कि ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में उनकी जो सर्विसेज थी, उनकी जो काबिशें थी, उनको रिकगनाइज किया गया। उनकी कुछ काबिशों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिविल अवार्ड से नवाजा, जिसमें उनका इम्तियाज है निशान इम्तियाज, हिलाल इम्तियाज एंड सितारा इम्तियाज। सर, आपकी टेक्नोलॉजी में बहुत काबिशें हैं। आप नेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है, उन्होंने नेशनल पॉलिसी मेकिंग में काफ़ी किरदार अदा करते रहे। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि इस वक्त पाकिस्तान की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ अडॉप्टेशन ऑफ टेक्नोलॉजी वो क्या है, और ये हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कितना रेडी है इस वक्त। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की दुनिया जो है वो बहुत मुख्तलिफ है उस दुनिया से जो आज से 50 या 100 साल पहले। इसकी मैं एक मिसाल छोटे से सिंगापुर की देता हूँ, जिसकी आबादी जो है कोई तकरीबन 55 लाख है, सिर्फ कराची से एक चौथाई। लेकिन पिछले साल उसकी एक्सपोर्ट्स जो थी वो 330 अरब डॉलर थी, जबकि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट सिर्फ 21 अरब डॉलर है, जबकि कोई कुदरती वसाइल नहीं है सिंगापुर के पास। और यही आपको दिखाई देता है फिनलैंड में, यही दिखाई देता है कोरिया में, यही दिखाई देता है बहुत सारे दूसरे छोटे छोटे ममालिक में जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गए हैं। तो पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो हमारी हुकूमतें आई, उन्होंने ये समझा ही नहीं कि आज की दुनिया इल्म की दुनिया है। आईटी को देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस वक्त सिर्फ 2001 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 30 बिलियन डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट्स थी 2001 में। मैंने चंद अवदान किए जिसमें 15 साल की टैक्स छूट दी प्राइवेट सेक्टर को, बैंडविड्थ के दाम जो थे वो बहुत कम कर दिए, कोई 80,000 डॉलर फी महीना एक दो मेगाबिट की लाइन के दाम थे उस वक्त, उसको घटा के अब 100 डॉलर से कम हो गया है। इसी तरीके से बहुत सारे हमने इदारे कायम किए, उसके नतीजे में अब 30 मिलियन डॉलर से बढ़कर 120 गुना ज़्यादा हो गई है और 3.2 अरब डॉलर तक आईटी बिजनेस पहुंच चुकी है पाकिस्तान में। इसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशंस में मोबाइल टेलीफोन, सिर्फ 3 लाख मोबाइल फ़ोन थे पाकिस्तान में 2001 में। मैंने जो पॉलिसी डिसीजन दिए और हम यू फोन को लेकर आए मार्केट कॉम्पिटिशन के तौर पर बहुत कम दामों में, और लोगों को आमतौर पर कानून के तहत कॉल वसूल करने पे भी पैसे देने पड़ते हैं। उसको मैंने रिवर्स कर दिया कि जो कॉल करेगा वो पैसे देगा, ना कि जो कॉल वसूल करेगा, क्योंकि आम आदमी घबराता था कि कॉल वो कर रहा है और पैसे मेरी जेब से जा रहे हैं, तो मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा है कि मैं मोबाइल फोन रखूँ। तो ये रिवर्स उसके नतीजे में 3 लाख मोबाइल फोन से बढ़कर अब कोई 16 करोड़ मोबाइल फोन पाकिस्तान में हो चुके हैं। और ये जैसे निकलते वाटर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, हमारे यहाँ जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो हुकूमतें हैं, वो ये समझते हैं कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की बुनियाद पे, और बुनियाद बनती है तालीम से ही, तो उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो हमने कभी तरजीह नहीं दी और आज भी बदकिस्मती से हम तालीम को सिर्फ 2% अपने GDP का मुख्तस करते हैं, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत पीछे रह गया। जो उस वक्त आए थे, इस वक्त आप चेयरमैन थे, दुनिया, पाकिस्तान भी और दुनिया भी, वो इस बात को कह रही थी कि HEC में जो रेवोल्यूशन इस वक्त आया, हायर एजुकेशन कमीशन में जो रेवोल्यूशन आया, वो इस वक्त कमेंडेबल है, वो रिमार्केबल है। वो उस वक्त काफ़ी क्या स्टेप लिए थे, और आज अगर वो पॉलिसी तरह चल रही होती तो हम आप कहाँ देख रहे पाकिस्तान की। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि जामियात जो है वो खूबसूरत इमारतों का नाम नहीं होती, बल्कि खूबसूरत दिमागों का नाम होता है। यूनिवर्सिटी दर अबाउट ब्यूटिफुल माइंड्स, मैं फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। तो सबसे अहम चीज़ तालीम को बेहतर करने के लिए हाई क्वालिटी फैकल्टी होती है। तो उस ज़माने में मैंने सबसे ज़्यादा जोर दिया कि अपने जो बेहतरीन दिमाग हैं हमारे बच्चे, उनको बहुत बड़े पैमाने पर बाहर PhD के लिए भिजवाएँ, और तकरीबन 11,000 स्टूडेंट्स बोर्ड से बाहर गए PhD के लिए या पोस्ट डॉक्टर के लिए या स्पिन PhD के लिए, और फिर उनको वापस अट्रैक्ट करने के लिए हमने सिर्फ लीगल बॉन्ड्स में इंतजार नहीं किया,
بلکہ کئی چیزیں کریں کہ یہ واپس آئیں. اس میں سب سے پہلے ان کی تنخواہیں ہم نے ایک استاد کی تنخواہ، پروفیسر کی تنخواہ، ایک فیڈرل منسٹر کی تنخواہ سے 4-5 گنا زیادہ پڑ گئی. پہلے بہت کم تھی، تو تبدیلی تنخواہوں میں، لیکن کانٹریکٹ سسٹم لے کر آئے تاکہ اس کی 3 سال بعد پہلی بین الاقوامی ایویلویشن اور 6 سال بعد دوسری بین الاقوامی ایویلویشن، تو یہ 10-year ٹریک سسٹم لے کر آئے. دوسرے، ہم نے ہر اسٹوڈنٹ کو جو واپس آ رہا تھا پی ایچ ڈی کے بعد، $1,00,000 کی ریسرچ گرانٹ وہ اپنے آنے سے 1 سال پہلے اپلائی کر سکتا تھا، تاکہ جب وہ واپس آئے اور کسی کمزور یونیورسٹی میں بھی آئے تو اس کے پاس سفیشینٹ فنڈنگ ہو تاکہ یونیورسٹیز میں وہ تحقیق وغیرہ کر سکے. تو $1,00,000 جو کہ اس زمانے میں 60 روپے کا ڈالر تھا، ایک کثیر رقم تھی جو ہر بچے کو مل سکتی تھی تھرو پیئر ریویو، تو ریسرچ ہے. تیسرے، ایک ڈیجیٹل لائبریری ہم نے اسٹیبلش کری. تیسرے، ہم نے ایک ڈیجیٹل لائبریری اسٹیبلش کری جس کے تحت ہر اسٹوڈنٹ کے پاس 65,000 کتابیں 220 بین الاقوامی پبلشرز سے اور 25,000 بین الاقوامی جرنلس سارے بیک والیومس کے ساتھ فری آف چارج. چوتھے، ہم ایک نیا آئیڈیا لے کر آئے، اوپن ایکسیس انسٹرومنٹیشن، کیونکہ سوفسٹیکیٹڈ انسٹرومنٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں اور ہر یونیورسٹی ہر ڈپارٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ پاکستان دنیا کا پہلا ملک بنا جس میں ہم نے اوپن ایکسیس انسٹرومنٹیشن کی اسکیم لے کر آئے کہ کوئی اسٹوڈنٹ اپنے سیمپلس ملک کے کسی بھی ادارے کو انالیسس کے لیے بھیج سکتا ہے. وہ انالیسس 72 گھنٹے میں فری آف چارج ہوگی. جو انسٹیٹیوشن یہ انالیسس کرے گا وہ یقیناً ایک بل بنائے گا، لیکن بل کی پیمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کرے گی، تو وہ فری میں نہیں ہوگی. فری وہ لوگ محققین کے لیے فری ہوگی، لیکن جو انسٹیٹیوشن پرووائڈ کر رہا ہوگا اس کو اس کی پیمنٹ ملے گی، جس کی وجہ سے اسپیئر پارٹس وہ خرید سکتے ہیں. تو ون ون تھا دونوں طرف سے. اور ہر ایک کے لیے جابس کا ہم نے انتظام کیا کہ آنے سے پہلے 6-8 مہینے پہلے ان سے پہلے سے ان کے لیے جابس موجود ہوتے تھے. تو اس کے نتیجے میں کوئی 97.5% ریٹرن ریٹ رہا ان بچوں کا. تو فیکلٹی ڈیولپمنٹ جو تھی وہ سب سے پہلا ہمارا ترجیح تھی جو ہم نے کی. اور اس کے ساتھ ساتھ لنک تھا اکوپمنٹ کا پروویژن، یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کی بنیاد پہ ساری یونیورسٹیز کو رینکنگ کرنا اور اس میں جو کمزور یونیورسٹیز تھیں پٹ دیم ٹو شیم کہ آپ جو یونیورسٹیز نہیں ہیں بلکہ لو لیول کالجز ہیں، یہ بورڈ جو لگا رکھا ہے آپ نے یہ غلط لگا رکھا ہے، آپ کو یونیورسٹی کہلانے کا حق ہی نہیں ہے. بہت سارے کیمپسز ہم نے بند کرائے جو سب اسٹینڈرڈ کیمپسز تھے، جہاں خالی پیسہ بٹورنے کے لیے پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن جو تھی انہوں نے شروع کر دیے تھے. اس طرح کے بہت سارے ہم نے اقدام کیے جس کے نتیجے میں ہندوستان بھی خاصا پریشان ہو گیا تھا. اور ہندوستان ٹائمس میں ایک مضمون شائع ہوا 23 جولائی 2006 کو، جس کا ہندوستان ٹائمس ہندوستان کا سب سے بڑا انگریزی کا اخبار ہے، تو اس کی ہیڈ لائن تھی پاک تھریٹ ٹو انڈین سائنس، یعنی انڈین ہندوستان کے سائنس کو پاکستان کی طرف سے خطرہ. اور جو کچھ انقلاب یہاں پہ آ رہے تھے اعلیٰ تعلیم کے اندر اس کا تفصیلی ذکر تھا، اور جو میں نے کر رہا تھا اس کا تفصیلی ذکر تھا. تو اور ورلڈ بینک نے، یو ایس اے آئی ڈی نے، برٹش کاؤنسل نے، نیچر جو دنیا کا سب سے بڑا سائنس کا جرنل ہے اس نے 4 اداریے اس پہ لکھے. تو سم تھنگ گڈ ہیپنڈ ایٹ دیٹ ٹائم، جس کے نتیجے میں پاکستان اس زمانے میں صرف 700 پبلیکیشنز آتی تھیں پاکستان سے بین الاقوامی جرنلس میں، آج الحمد للہ تقریباً ہماری 13,000 بین الاقوامی پبلیکیشنز آ رہی ہیں اور ہم ہندوستان سے کچھ آگے ہو گئے ہیں آپ ان ٹرمز آف ریسرچ پبلیکیشنز پر ملین پاپولیشن، آبادی کے تناسب سے. ایکچوئل نمبرز میں تو انڈیا آگے ہے، لیکن آبادی کے تناسب سے پاکستان جو ہے انڈیا کے یا تو برابر ہے یا کچھ آگے ہو گیا ہے، وچ از نو اسمال اچیومنٹ، جبکہ ہم اسی پیمانے پہ کوئی 12-15 گنا پیچھے تھے ہندوستان سے سن 2001 میں. تو یہ سب تبدیلیاں جو کی گئیں اس کے نتیجے میں ایک مومنٹم بنا، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے شعبوں کے اندر پاکستان نے ترقی کی، جس میں آئی ٹی کا اور ٹیلی کام کا تو میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ دو مثال کے طور پہ شعبے. سر، ٹیک پاکستان کی کوشش کر رہے ہیں، ٹیک پاکستان دیٹ وی اسٹیبلش، وی ڈیولپ، اور وی ورک ٹورڈز ڈیولپمنٹ آف ٹیکنالوجی انڈسٹری ان پاکستان. جو بھی کنٹریبیوشن ہم سے ہو پا رہا ہے اپنی مثال پہ، کیونکہ جنہوں اگر پالیسی جو ہے وہ نہیں بنی گئی ہے تو ہماری اپنی انڈیویجول ایفرٹ جو کر سکتی ہے وہ تو ہم کرنی چاہیے. آپ سے مستفید ہونا چاہوں گا کہ ہمیں اور گورنمنٹ کو بھی
अगले 5-10 साल में क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या पॉलिसीज रखनी चाहिए कि टेक्नोलॉजी सेक्टर प्रॉस्पर हो और इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फायदा हो? ये जो आपका सवाल है, ये मैंने ही कैबिनेट में किया था 2004 में कि हम रोजाना मुख्तलिफ छोटे मामलों में तो लगे रहते हैं, लेकिन जो बड़ा ओवरऑल पिक्चर है कि पाकिस्तान किस तरह तालीम को, साइंस को, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे तरक्की के लिए, इसका कोई हमारे पास कोई रोड मैप नहीं है। तो उस जमाने में जमाली साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने मेरे से कहा कि आप इस एफर्ट को लीड करें और एक रोड मैप बनाएं पाकिस्तान का कि टेक्नोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं सनत और ज़रात की फ़रोग के लिए। तो हमने बैतुल अक़वाम मुत्तहिदा के टर्म्स में, यूएन टर्म्स में, ये डेल्फी टाइप एक्सरसाइज कहलाती है, फोरसाइट, कि आगे हम प्रिडिक्ट करें कि अगले 5-10-15 साल में हमें क्या कुछ करना है। 2 साल की सख्त मेहनत के बाद, जिसमें हमने प्राइवेट सेक्टर, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, 13 अलग अलग शोबों में, जिसमें आईटी, बायोटेक, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, टेक्सटाइल्स, लेदर वगैरह वगैरह सब शोबों में हमने एक क्लियर रोड मैप डिटरमिन किया और 15 ईयर्स के क्या चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजी के बुनियाद के ऊपर हम कर सकते हैं ताकि गुरबत दूर हो, एक्सपोर्ट्स बढ़े, सदन तरक्की करे, ज़रात तरक्की करे। ये एक 320 सफ़े का डॉक्यूमेंट अल्टीमेटली बना, जिसका मजमून यही था, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रियल विजन फॉर सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और ये जो है, ये 30 अगस्त 2007 को कैबिनेट ने मंजूर किया और एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाई गई इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये इसका किसी एक शोबे से ताल्लुक नहीं था। टेक्नोलॉजी जो है वो हर शोबे पे असर अंदाज होती है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे इंडस्ट्री हो, इट अफेक्ट्स एवरी सेक्शन ऑफ ह्यूमन एंडेवर। सो दिस वाज अप्रूव्ड बाय द कैबिनेट एंड लेकिन उसके बाद जो हुकूमत तब्दील हो गई और उस पर ज़्यादा अमल दरामद कुछ खास नहीं हो पाया, लेकिन दैट डॉक्यूमेंट स्टिल एग्जिस्ट्स। तो हमें चाहिए कि उसमें उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स दी हुई हैं कि कौन कौन सी तरजीहत होनी चाहिए, स्पेसिफिक एग्रीकल्चर में क्या करना चाहिए, आईटी के अंदर क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, और इसमें बहुत हज़ारों दिमागों का इनपुट्स मौजूद है इसके अंदर। तो दैट डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट है, उसको चाहिए हमें इम्प्लीमेंट करें। इस सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ खास तौर पर कहना चाहूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रांजिशन टू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द ट्रिपल हीलिक्स, the overlapping of 3 key sectors, the dynamic interactions between the 3 key sectors. One is government policies, obviously, that they should create an enabling environment through which science, technology and innovation can flourish. So there are government policies. The second is the role of education, science and technology institutions, so that they create world-class centers of excellence where new technologies can be generated, and we are not always in the catching up phase, we are also leading in search of technologies in the world. So the role of academia and research institutions, and the third is very importantly the private sector, which is often ignored, because ultimately it is the private sector which has to deliver through the policies and through the contributions of the academia. That is often ignored. And so if you look at China, if you look at Germany, if you look at USA, about 50-60% of total research and development funds come from the private sector. In countries like Pakistan, not even 1% is contributed by the private sector. So we need to have incentivization mechanisms such as long-term tax breaks. Jaise ki maine 15 saal ka IT ko tax break diya tha 2001 mein, jo 2016 mein expire hua, और फिर मौजूदा उसको 3 साल के लिए उसको फर्दर रिन्यू किया 2019 तक। तो इस तरह के बहुत सारे इंसेंटिव्स हो सकते हैं जिसके अंदर टेक्नोलॉजी पार्क्स का क्याम, इनोवेशन पार्क्स का, हर यूनिवर्सिटी के अंदर इनोवेशन पार्क्स और टेक्नोलॉजी पार्क्स होने चाहिए, जिसके अंदर वेंचर कैपिटल का एग्जिस्टेंस, ताकि नई कंपनियाँ, नई स्टार्टअप कंपनीज को फ्लो देने के लिए यंग ब्राइट यंग पीपल विद गुड आइडियाज़, उनको सपोर्ट करना है, वो हमारा मुस्तकबिल है। और उसके लिए हमें एक पूरा सिस्टम लाना पड़ेगा जिसमें पीसी फंडिंग हो। आपने देखा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इनोवेशन पार्क अलहमदिल्ला हमारे ही सेंटर में कायम हुआ है, 20,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग ऑलरेडी
ऑपरेटिव है, एक और 20,000 स्क्वायर फुट की बिल्डिंग अगले महीने तैयार हो जाएगी, 30 कंपनियां वहां आ चुकी हैं, ज्यादातर यंग लोग जिनके अच्छे आइडियाज हैं और वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे भी हैं, कुछ आइडियाज आईटी के हैं, कुछ आइडियाज जो है वो रोबोटिक्स के हैं, कुछ आइडियाज जो है वो उनका एग्रीकल्चर से ताल्लुक है, कुछ का केमिस्ट्री से ताल्लुक है, कुछ का फार्मास्यूटिकल से ताल्लुक है, स्प्रेड है अक्रॉस इन डिफरेंट फील्ड्स। और इसमें हम मेंटरिंग कर रहे हैं इनको, इनको प्रोविजन सिर्फ सर्विसेज नहीं दे रहे बल्कि यहाँ के इस इदारे में बहुत सारे अच्छे असातिज़ा हैं, बहुत से बाहर भी मेंटरिंग सर्विसेज हैं ताकि इनको फ्रोह करें और इनको इनको हम तरक्की दें ताकि ये खुद इन आइडियाज़ को कमर्शलाइज करें। हर यूनिवर्सिटी में इस तरह का होना चाहिए और ये इंटीग्रेशन होना चाहिए कि जो तालीम दे रहे हैं उसका डायरेक्ट लिंक विद न्यू कंपनी डेवलपमेंट। तो मैं इस वक्त दो नई यूनिवर्सिटीज काम कर रहा हूँ, एक ऑस्ट्रिया के साथ जो कि हरिपुर हजारा में है जिसकी KPK गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, पाकिस्तान ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो अगले साल सितंबर अक्टूबर में ऑपरेटिव हो जाएगी, जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को बाहर से डिग्री मिलेगी और इसमें न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए एक इनोवेशन पार्क सेंटर पीस है जिसमें हम कोई 10 मिलियन यूरोज अलग से रख रहे हैं फॉर न्यू आइडियाज को प्रॉस्पर करने के लिए एज वेंचर कैपिटल। और एक और यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ इटली के साथ जो कि लाहौर नॉलेज पार्क में है, वो भी अगले साल के आखिर में शुरू हो जाएगी और उसमें भी कई इटालियन यूनिवर्सिटीज का कंसोर्शियम बना है जो कि ये कर रहा है, वहाँ भी एक ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी का कंसोर्शियम है ये कर रहा है। तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा बल्कि दे विल गेट डिग्रीज फ्रॉम गुड फॉरेन यूनिवर्सिटीज विदाउट गोइंग अब्रॉड, लेकिन दोनों यूनिवर्सिटीज का जो दिल है वो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट थ्रू दी इनोवेशन पार्क जो कि उनके वस्त में है। तो ये इस तरह मैं बहुत ज़माने में जब मैं चेयरमैन HEC था और मैं मिनिस्टर भी रहा तो ज़माने में मैंने लास्ट के अंदर एक टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह किया था, बाद में लम्स में हुआ, इसी तरह फैसलाबाद में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में और इस तरह कई जगहों पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ पूरे मुल्क में एक जाल फैले इनका ताकि टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी पर दिखाई दे सके। जैसे आपने कहा कि टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज थी और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज के ना सिर्फ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए बल्कि साथ साथ टेक्नोलॉजी पार्क जहाँ पे इंक्यूबेट किया जा सके, बच्चों के नए आइडियाज को प्रॉस्पर किया जा सके, जैसे इस वक्त आपने ICCBS का जिक्र किया। हम क्योंकि सर सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, आपके फुट स्टेप्स को इंशाल्लाह फॉलो करते रहेंगे, ऑफिशियली टेक पाकिस्तान ICCBS के साथ मिलके हाउ वी कैन कोलैबोरेट, हाउ वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस दैट यू हैव सेट अप। ये एक पर्पस बिल्ड फैसिलिटी है और आई हैव हर्ड अ लॉट वेरी गुड अबाउट दैट, सो हाउ वी कैन जस्ट मूव ऑन। इसमें आप कई चीज़ें कर सकते हैं, एक तो आप ये कि जो कंपनियां यहाँ काम कर रही हैं 30 कंपनियां, उनकी फील्ड्स आइडेंटिफाई करके और उस फील्ड में जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि इस फील्ड में ये अच्छे एक्सपर्ट्स हैं और आपका अपना नेटवर्क है जी। तो उस नेटवर्क के अंदर उनको फिर मेंटरिंग करें कि उनको गाइडेंस करें, क्योंकि ये ज़्यादातर यंग पीपल वर्किंग देयर दे नीड गाइडेंस फॉर मोर सीनियर पीपल जो उनको कह सकें कि इस तरह करो इस तरह ना करो या कमर्शलाइज करने के लिए ये करने की ज़रूरत है। तो मेंटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू कैन आप अपने नेटवर्क के थ्रू इनके मेंटर्स आइडेंटिफाई करें, ऐसे लोग जो इनको गाइडेंस कर सकें, दैट इज़ वन थिंग दैट यू कैन डायरेक्टली डू। दूसरे आप अपने थ्रू योर ओन मैगजीन्स एंड योर ओन नेटवर्किंग आप ये लोगों को बताएं कि ये एक फैसिलिटी मौजूद है जिसमें जो अच्छे लोग जो अच्छे आइडियाज़ हैं वो लेकर आए, हम स्पेस देंगे, हम उनको फरो देने के लिए जो भी हम कर सकते हैं करेंगे ताकि हम कॉम्पिटिशन के जरिए सेलेक्ट करते हैं इनको, तो ताकि एक अवेयरनेस पैदा हो ऑफ दिस फैसिलिटी ताकि मोर एंड मोर यंग पीपल कम इन विद ब्राइट आइडियाज और इसको पूरा हम फरो दे सकें। दैट इज द सेकंड थिंग दैट यू कुड डू टू प्रमोट टेक्नोलॉजी। अ थर्ड थिंग दैट यू कुड डू थ्रू टेक इज के हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसमें MIT, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, येल और खान अकेडमी, इनमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी बेस्ड लेक्चर्स मौजूद हैं और ये फ्री ऑफ चार्ज है। इसमें आप स्कूल लेवल के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो लाखों लेक्चर्स इसके अंदर मौजूद हैं और ये हमने इन सब यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेकर एक जगह जमा कर दिया। आप इंटरनेट पर जाते हैं तो दे आर स्कैटर्ड, हियर यू फाइंड इट्स अ ग्रोइंग वेबसाइट with more and more things coming in. So what you could do is to publicize this. Uska website address hai www.lej4
learning.com.pk. तो इस एड्रेस को आप पब्लिसाइज करें अपने मैगजीन्स के थ्रू और लोगों को कहें कि इसको अपने तालीम के अंदर अपने स्कूल्स में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में इंटीग्रेट करें, ताकि आप सिर्फ अपने असातिज़ा से ना पढ़ रहे हो बल्कि आप ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, MIT, हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड के असातिज़ा से आप सीख रहे हो। एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करते हैं, जब मुझे किसी वक्त मैं आपसे टाइम देकर दोबारा पर्टिकुलरली इस वेबसाइट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपने डेवलप किया है, इसके वजह से मैं थोड़ी गाइडलाइन देने आऊँगा, तो मैं रिकॉर्ड करके चाहूँगा कि मैं लोगों तक पहुँचाऊँ सर, सो दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर मैसेज। लास्टली सर, टेक पाकिस्तान के बारे में कुछ कहना चाहें आप, आई मीन द वे वी आर वर्किंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट। जी, वेल आई लाइक टू कंग्रेचुलेट यू for all the effort that your company is making to promote technology. Aaj ki duniya technology hi ki duniya hai aur isme hum sabko effort karni hai. Hukumat ek had tak kar sakti hai lekin fir se zara aa jata hai individuals ka aur organizations ka, such as yours. So we all have to join hands together and do whatever we can to promote technology in various fields, jisme ek to aam aadmi tak ye ilm pahunche कि आज की कहाँ तेजी से दुनिया जा रही है, आज की दुनिया वो है जिसमें अंधे जबान से देख सकते हैं टेक्नोलॉजी, जिसमें डिवाइस बाई कैप करके अगर लड़की आई रिस्पॉन्सिबल है कि अंधा एक लॉरी कॉप की तरह का डिवाइस रख लेता है अपनी जबान पर, तो और कैमरा यहाँ लगा होता है तो जो पिक्चर है वो नर्वस सिस्टम के तहत दिमाग तक पहुँचती है, एंड द ब्लाइंड कैन टुडे सी विद देयर टंग, पार्शियल आईसाइट डिस्टर्ब हो जाती है, आज कमर्शियली अवेलेबल है। आज ऐसे डिवाइसेज डेवलप हो गए हैं कि आप अपने डिवाइस पहन लें तो आप मेंटल हुक्म देकर गाड़ी चला सकते हैं थ्रू क्राउडेड स्ट्रीट्स, जस्ट यू गिव मेंटल कमांड्स, सो दीज डिवाइसेज आर अवेलेबल। आज ऐसे डिवाइसेज डेवलप हो गए हैं कि एक खिलाफ मैं आपको मेटा मटेरियल्स का उड़ा दूँ तो आप बैठे बैठे गायब हो जाएंगे, यू विल बिकम इनविजिबल बिकॉज दीज मेट लाइट, क्योंकि रोशनी टकराएगी और फिर चली जाएगी, ऐसा लगेगा खाली कुर्सी आप गायब हो जाएंगे। दीज आर कमर्शियली अवेलेबल एंड दे आर बीइंग यूज्ड फॉर क्लोथिंग, submarines, tanks and other weapons. आज anti-aging compounds develop हो गए हैं जो कि ना जो उम्र के बढ़ने के अमल को ना सिर्फ स्लो कर देते हैं बट जानवरों में उन्होंने पाया है कि इसको रिवर्स भी कर देते हैं, anti-aging compounds. So this is a whole new area, another area of technology. जिसमें एक का नाम resveratrol है, एक का नाम adenine dinucleotide है, एक और है metformin, और इस तरह के और मुरक्कब है which reverse the process of aging. So this is a technology की दुनिया जो है वो बहुत हैरत अंगेज दुनिया है, जिसमें हकीकत जो परियों की कहानी सुनते थे आप उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज आज टेक्नोलॉजी की दुनिया बन चुकी है। आज कुछ साइंसदानों ने जुगनू के अंदर जीन्स जो थे जिसकी वजह से वो चमकते हैं उनको लेकर फूलों में डाल दिया है और ऐसे फूल ईजाद हो गए हैं ऑर्किड्स जो अंधेरे में जुगनियों की तरह चमकते हैं। तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ द wondrous world of science and technology. तो ये हमें we have to excite young men. तो मैंने इस पे किताब भी लिखी है, the wondrous world of science, इसका चीनी ज़बान में भी तर्जुमा हुआ है और last year China में distribute हुई है, ताकि लोगों को awareness हो कि technology की कितनी अहमियत है हमारी ज़िंदगी में आज। सच में बताऊं, I'm really honored, humbled कि आपने time निकाला, आपसे सीखते रहेंगे, आपके आंसर समझते रहेंगे। Thank you very much for your time. Thank you.